अगर आप ये पांच चीजें खाते हैं और आपको इनफर्टिलिटी का इश्यू है, तब ये इनफर्टिलिटी का इश्यू ठीक नहीं है। ठीक है, या आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आईवीएफ करवाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कंसीव हो सकता है कर लिए। लेकिन अगर आपको नेचुरली कंसीव करना है तो इनफर्टिलिटी के पांच दुश्मन, पहला दुश्मन है बाहर का खाना, जंक फूड। ठीक है, कई लोग होते हैं बाहर का खाना छोड़ देते हैं, घर पे जंक फूड खाते, नहीं खाना। ठीक है, बाहर का खाना जंक फूड, ये इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा है चीनी, शुगर। शुगर इनफर्टिलिटी का काफी बड़ा जो है नुकसान करता है। थर्ड है, जब तेल को हम बार बार हीट करते हैं ना, उसमें खाना फ्राई करते रहते हैं, ठीक है, ये इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन। चौथा, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ठीक है, वो जैसे कि आपने देखा है कि कई बार रेडी टू ईट खाना आता है, ठीक है, जिसको घर पे बस गर्म करो या फ्राई करो और खा लो, ठीक है, या जो केचप होते हैं, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, ठीक है, ये सब नहीं खाना है। ठीक है, बाहर का आप देखोगे कहीं कोई लहसुन अदरक का पेस्ट भी आता है, ठीक है, ये भी प्रोसेस्ड खाने में आता है। और लास्ट है कोल्ड ड्रिंक, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये नहीं लेना है। ये पांच चीजें छोड़ दीजिए, इनफर्टिलिटी का इशू खुद ब खुद सॉल्व होने लग जाए।